अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के करम से आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, अल्लाह ताला ने ये जो हमें एक सूरज की रोशनी दी है, इससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, आज मैंने ये आपको दिखाना है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस टाइम बिजली का चल रहा है। बिजली पाकिस्तान में है नहीं, और यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग इतनी है कि गवर्नमेंट बिजली पूरी नहीं कर पा रही। बिजली का ये इशू बना हुआ है। मैं आज आपको दिखाता हूँ कि सोलर क्या है, सोलर सिस्टम क्या होता है। पाकिस्तान में जहाँ आजकल बिजली का मसला बना हुआ, वहाँ पे हम सोलर से क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और हम क्यों सोलर की तरफ नहीं जा रहे, और हम सोलर पे काम करें तो हमें किस किस चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। चले मैं आज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्लेटें लगी हुई हैं चक्की की, चक्की आटा बनाने के लिए। ये हमारे पास तकरीबन इस टाइम एक जो पैराग्राफ उसमें 18 लगी हुई हैं प्लेटें, और ये तकरीबन 54 जो है वो लगी हुई हैं सोलर प्लेटें। सोलर प्लेटों का फ़ायदा ये है कि हमारे पास अल्लाह ने हमें कुदरती जो है ना रोशनी दी है, और यहाँ पे हमारे पास दर्जा हरारत इस टाइम 50+ है। आप देख सकते हैं कि सूरज की जो रोशनी है, ये सूरज की शुआएँ जो होती हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं आके सोलर प्लेट पे। जब ये प्रॉपर जब सूरज की रोशनी आपकी पड़ती है इसके ऊपर, आपकी प्लेटों के ऊपर, एक साइड तले कर आई थी, एक दी तले कर आई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, ठीक है। एक सोलर प्लेट जो है वो 350 वाट की है, तो इसी तरीके से हमारे पास 54 लगी हुई है टोटल सोलर प्लेट। और ये जो है चक्की, इस पर हमने चलाई हुई है आटा बनाने के लिए और उसको सफाई करने के लिए। अगर हमें प्रॉब्लम है लाइट का, जैसे लोड शेडिंग हो रही है हमारे मुल्क में, तो हमें तो ये कुदरती तोहफा मिला हुआ है ना अल्लाह की तरफ से, कि हमें धूप मिल रही है यहाँ पे। हमारे तकरीबन सुबह 6 बजे से प्रॉपर धूप निकलती है पाकिस्तान में, 6 बजे से लेके शाम 7 बजे तक प्रॉपर धूप इतनी तेज़ होती है, ठीक है, कि हम इन सोलर प्लेटों के थ्रू हम अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं। ये एक प्लेट है, यहाँ से ये निशान है का, ये यहाँ से एक प्लेट है, इस जगह से लेके यहाँ तक एक सोलर प्लेट है, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेटें लगी हैं, 6 और 6, 12 और 6, 18 प्लेटें एक पैकेज बना के लगाई हुई हैं, और 18 और 18, 36 और 18, 56 टोटल 54 लगी हुई हैं। तो हम लोग जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हम अपनी बिजली खुद भी पैदा कर सकते हैं इन सोलर प्लेटों के थ्रू, और आगे गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्लाह के कुदरत से ऐसा है कि सूरज हमारे पास साल में हमारे पास जो है तकरीबन 8 महीने गर्म तरीन महीने, 8 महीने, 4 महीने में से 2 महीने ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जिसकी वजह से अमूमन जो है ना लोग कहते होंगे सोलर काम नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तब सोलर काम नहीं करता होगा। अब ये 54 प्लेटों ने पूरा एक सिस्टम चलाया हुआ है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, आटे की चक्की लगाई हुई है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये दालों की सफाई होती है, दाले पहले इसमें डाले जाते हैं, यहाँ सफाई होती है, सफाई करने के बाद यहाँ पे उसके बाद ये यहाँ पर सफाई होने के बाद दूसरा सेकेंड ऑप्शन होता है वो आटा पिसाई होकर बाहर निकलता है, उसकी एक एयर बनती है, वो एयर के लिए
ताकि वाटर ब्रीक होकर बाहर ना उड़े, उसको रोकने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो सोलर पे जाने का हमें फ़ायदा है, हम मतलब है कि मोहताज नहीं है किसी चीज़ के, बिजली के मोहताज नहीं है, बिजली आ रही है नहीं आ रही, तो सोलर पे काम करना चाहिए क्योंकि आवाम में पाकिस्तान एक सेटअप छोटा सा सेटअप है। वैसे अमूमन गांव में तो लोगों ने ट्यूबवेल भी लगाए हुए हैं बहुत सारे पानी के लिए सोलर पे, तो ये जिससे हम पेट्रोल की बचत हो रही है, डीजल की बचत हो रही है, और इसके अलावा अगर हम ये सोलर सिस्टम लगाते हैं हमारी बिजली बहुत कम यूज़ होगी। और ये कम से कम जो है ना 10 साल का प्रोजेक्ट होता है, 10 साल आराम से बैठ के आप कोई काम भी कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको और भी प्रोजेक्ट के हवाले से दिखाऊंगा, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो मेरे ख्याल में नॉलेज के लिए ज़्यादा होती हैं। तो इंशाल्लाह साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा।